बसमिलो तो पाकिस्तान में हसास अहदाफ की जासूसी करने वाले भारतीय बेनकाब सिक्योरिटी कंपनी ने भारतीय का भांडा फोड़ डाला भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है फिर चाहे वो एल ओ सी फायरिंग के झूठे दावे हों या फिर किसी दहशत गर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर बगैर तहकीक के आयद करने का मामला हो भारत अपने भोंडे दावों और इल्ज़ाम तराशियों से किसी तौर पर बास नहीं आता ताहम अब अमरीकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने पाकिस्तान में हसास की जासूसी करने वाले भारतीय बेनकाब कर दिए हैं मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सान फ्रांसिस्को में कायम साइबर सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट के मुताबिक भारतीय फौज से वाबस्ता हेकर की एक टीम पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर हसास अहदाफ की जासूसी के लिए मोबाइल निगरानी के टूल्स का इस्तेमाल कर रही थी इस रिपोर्ट के मुताबिक इस हैकर ग्रुप को कन्फ्यूशियस कहा जाता है जो जनूबी एशिया में लीगल एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज की कमांडिंग करने और जासूसी के टूल्स और मालवेयर सॉफ्टवेयर को मजबूत करने के लिए जाना जाता है लुकआउट की रिपोर्ट के मुताबिक दो हजार सत्रह और 2020 के ने अथॉरिटी और पाकिस्तान जोरी दर कमीशन के एहलकारों को निशाना बनाया था साइबर सिक्योरिटी लुकआउट की रिपोर्ट में बताया गया भारत ने पाकिस्तान और कश्मीर में जोग्राफिया सियासी अहदाफ की जासूसी के लिए भारतीय फौज से तालुकात रखने वाले एक हैकिंग ग्रुप ने मोबाइल निगरानी के लिए एक टूल बनाया था। हैकर ग्रुप मुतासरी को सिक्योरिटी टूल्स और एप्लीकेशन को हैक करके सारे टूल्स रिकॉर्ड शुदा फोन कॉल्स, कॉल लॉग्स कॉन्टैक्ट जोग्राफियाई महल तस्वीर और वॉइस नोट का डाटा हासिल कर लेता था, था इस कंपनी ने ज्यादातर एक सौ छप्पन हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी एहलकारों के मोबाइल को निशाना बनाया और गैर महफूज सर्वर पर डाटा महफूज किया गया दोस्तों ने हाल ही में सर्वर को तलाश किया और बताया की दोस्तों इंटेलिजेंस इंजीनियर का कहना था की कंफ्यूशन के तकनीकी औजार और मालवेयर इतने आला दर्जे के नहीं है महककी ने दरियाफ्त किया कि पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान जोहरी कमीशन और नामूम तीसरे फ्रीक के अहदेदारों के माबैन दो हजार सत्रह और दो हजार अठारह के दरमियान व्हाट्सएप चैट का मवाद चोरी किया उन्होंने मजीद बताया की इसकी तहकीक से ये मालूम होता है की जासूसों की मुहिम दो हजार अठारह में उस वक्त बढ़ गई थी जब मालूम हैकर्स ने तजारती निगरानी के सामान फ्राहम करने वाले रेटना एक्स स्टूडियोज की खिलाफ वर्जी की थी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर